द्वारा राजीव गांधी ने कई प्रयास किए, डिजिटल इंडिया, 21वीं सदी का भारत और 18 वर्ष का मतदान और नवोदय स्कूल की स्थापना करके आप जैसे प्रतिभावान बच्चों को आगे लाने के लिए उन्होंने एक प्लेटफॉर्म दिया। और जो डिजिटल इंडिया जिस वक्त हम देखते थे राजीव गांधी ने कल्पना की थी सूचना क्रांति की, वो आज साकार हो रही। राजीव गांधी को सच्ची श्रद्धांजलि आज दे सकते हैं। आज जिस ढंग से हम देखते हैं कि हमारे युवा पीढ़ी जिस ढंग से फास्ट ढंग से आगे बढ़ रही है, जो लेटेस्ट इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का उपयोग करके आप लोग जिस ढंग से आगे बढ़ रहे हो, वो उस राजीव गांधी ने कई वर्ष पहले एक सपना देखा था और आप लोगों को आगे आने का अवसर दिया था। उसी कड़ी में हमारे मद्रास IIT के पास आउट और भारत माँ के बेटे सुंदर पिचई आज वर्ल्ड में 1800 करोड़ की सैलरी के साथ पूरे भारत माता का नाम रोशन कर रहे हैं। यही डिजिटल इंडिया और जो राजीव गांधी की सोच थी युवा भारत की, उन सोच को आगे बढ़ाया है। और जो प्रतिभावान जो गांवों के बच्चे थे जो आगे नहीं आ सकते थे, उनके लिए नवोदय की स्थापना करके उन्होंने प्रतिभावान बच्चों को आगे लाने के लिए एक ऐसा प्लेटफॉर्म दिया कि भी आप भी पूरे देश दुनिया में अपना नाम रोशन कर सको। तो जिस ढंग से भारत तरक्की कर रहा है, वो बहुत ही आप लोगों के इस महान योगदान के कारण, आज युवाओं के महान योगदान के कारण भारत समृद्ध और शक्तिशाली रूप में आगे बढ़ रहा है, उसमें आपका महान योगदान है। और युवा पीढ़ी जिस देश में भी चाहती है कि युवा पीढ़ी का इतना महान योगदान होता है कि किसी भी देश की जो व्यवस्था है उसको बदलने का अगर मादा है तो युवा पीढ़ी में है। अगर किसी देश की व्यवस्था में आमूल चामूल परिवर्तन करने का अगर कोई मादा है तो युवा पीढ़ी में। हम देखते हैं कि कई देशों में क्रांति हुई, कई देशों में व्यवस्था का बदलाव हुआ है, उसमें युवा पीढ़ी ही थी पीछे। भारत जब आजाद हुआ और आजादी का जो आंदोलन महात्मा गांधी के साथ जो नेतृत्व कर रहे थे वो सब युवा थे, और उन्हीं युवाओं की सोच थी और उसी युवाओं की बदौलत आज भारत मजबूत और एक सक्षम राष्ट्र के रूप में आपके सामने खड़ा है। जो महात्मा गांधी के नेतृत्व में हमें आजादी दी गई है, एक ऐसी आजादी, एक ऐसी स्वराज की कल्पना थी कि जिसमें हम आम लोगों की तरह जी सके, अपनी बात सबके बीच में कह सके, एक ऐसे लोकतंत्र की स्थापना महात्मा गांधी ने की थी। उसी के साथ भीमराव अंबेडकर ने जो हमारे देश का संविधान था वो एक इतना सुंदर संविधान बनाया कि उसमें 36 कौमों को आगे बढ़ने का अवसर दिया, और जो वंचित लोग हैं उनको रिजर्वेशन की जो एक व्यवस्था करके उनको ताकत दी है। ऐसी ताकत आप लोगों को आगे बढ़ने के लिए हमारे जो पूर्व प्रधानमंत्री और जो कांग्रेस के नेता है उन्होंने आप लोगों को दी है। जैसे आज जो देश अमृत काल मना रहा है, अमृत महोत्सव मना रहा है, उसमें हमारे कई प्रधानमंत्रियों के महान योगदान है। हमारे कई प्रधानमंत्रियों के गाढ़े पसीने और खून बहा है, उसके बाद आज देश अमृत महोत्सव मना रहा है। कई प्रधानमंत्रियों की शहादत के बाद यह देश सक्षम और शक्तिशाली रूप में आगे बढ़ रहा है, उसमें आप लोगों का महान योगदान है। जिस ढंग से युवा पीढ़ी आगे बढ़ रही है, देश की युवा पीढ़ी, हम देखते हैं कि विश्व में कई देश है लेकिन भारत की युवा पीढ़ी जिस ढंग से आगे बढ़ रही है काबिल तारीफ है, उसमें आप लोगों का योगदान है। आप लोग अच्छे संस्कार लेके जाओ और स्कूल से एक संस्कार और योग्य बनकर आगे बढ़ो। जब आप उन्नति करते हो और अच्छे पद पर पहुंचते हो और योग्य बनते हो, उसके साथ आपके साथ संस्कार होना भी आवश्यक है, ताकि वो उन्नति जब आप शिखर पे हो तो बोनी नहीं लगे, आपके संस्कार आपके साथ हो। तो मेरा आपसे ये अनुरोध है कि आप आगे बढ़ो, तरक्की करो। देश में आज पर्याप्त प्लेटफॉर्म है, सूचना क्रांति का युग है, आपको कहीं जाने की आवश्यकता नहीं। हम पढ़ते थे जब हमें यूनिवर्सिटी और विश्वविद्यालय और अच्छे स्कूल खोजने के लिए भटकना पड़ता था, दूसरे की सलाह लेनी पड़ती थी, उचित सलाह नहीं मिलती थी, लेकिन आज डिजिटल युग है, आप मोबाइल पे दबाओगे आपको सारे वर्ल्ड के स्कूल, टॉप 10 स्कूल मिलेंगे, कॉलेज मिलेंगे, IIT मिलेगी, तो आपके लिए एक अच्छा प्लेटफॉर्म देश की समृद्धता को आगे बढ़ाने के लिए है। लेकिन आप एक अनुशासित सिपाही होकर, एक अनुशासित बच्चे होकर आगे बढ़े, ताकि हमें हमारे जो
योग्यता और शिखर पर जब हम पहुंचे तो हमें हमारी उन्नति बोनी नहीं लगे, हमारे संस्कार भी हमारे साथ रहे, हम संस्कारों को नहीं छोड़े। संस्कार और उन्नति का चोली दामन हमारे साथ होना चाहिए। इन्हीं शुभकामना के साथ आपको बहुत बहुत शुभकामना देता हूँ।